बोलो दुर्गा माई की जय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ और आ गई हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। एंड मैं आ गई हूँ पंडाल, जहाँ पे हमारी दुर्गा माँ आने वाली है। एंड वहाँ पे डेकोरेशन अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है जो कंप्लीट कर रहे थे, और यहाँ पे बच्चे मिलकर अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ का ये खासियत है कि दुर्गा पूजा के टाइम जो भी फंक्शंस होते हैं, सब जो भी स्टेज शोज होते हैं, वो सब खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। बाहर से स्टेज शो के लिए किसी को बुलाते नहीं है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा ग्रुप या फिर कोरियोग्राफर डांस प्रैक्टिस के लिए किसी को भी नहीं बुलाते, खुद ही कोरियोग्राफ करते हैं। एंड यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक है, वो अपने स्कूल जाते हैं, फिर अपना पढ़ाई, ट्यूशन, जो भी कुछ करना रहता है सबको बैलेंस करके वो यहाँ पे डांस प्रैक्टिस, ड्रामा प्रैक्टिस, जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फुल अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये है हमारा डेकोरेशन, ऊपर का जो डेकोरेशन वो बहुत ही अलग लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सिंपल सा। और एंड जो भी माँ को लेने गए थे वहाँ पर जाकर, जो भी माँ का डेकोरेशन जो भी इनकम्प्लीट था वो सब कम्प्लीट करके, माँ वहाँ पे जो भी पूजा वगैरह जो भी कुछ करना है वो करके माँ को लेकर आ रहे थे। एंड हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि माँ अपने घर आ रही है। आखिरकार माँ अपने घर आ रही है तो हमें तो खुश होना ही है। एंड बंगाली में एक सॉन्ग है, पूजो पूजो गंदनी अबर इलो माँ को, इलो 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 माँ दुर्गा माँ। अगर कुछ मिस्टेक है तो आई एम सॉरी, मगर मेरा कहने का मतलब यही था कि माँ जब आती है अपने साथ इतने फ्रेग्रेंस लेकर आती है कि अपने प्यार से हमें खींच लेती है अपनी तरफ। यहाँ पे जेंट्स मिलकर लॉरी में माँ को ला रहे थे, और वैसे ही माँ के सामने सब लेडीज, ट्रक के सामने सब लेडीज मिलकर रेड बॉर्डर साड़ी में कोई उल्लू दे रहे थे, कोई शंख बजा रहे थे और कोई बोल रहे थे बोलो दुर्गा माई की जय। बोल रही थी ना, माँ अपने साथ एक फ्रेग्रेंस लाते हैं, फ्रेग्रेंस के साथ एक एनर्जेटिक मूड भी लाते हैं, जो देखकर सब हम जो भी वहाँ पे थे सबके फेस में ना जैसे कि 1000 वॉट का बल्ब जल गया है, और इतने प्यारे लग रहे थे और इतने एनर्जेटिक लग रहे थे कि सब के बीच में मतलब कोई भी टायर नहीं हो रहा था, शंख बजा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बट मैं दूसरे का वीडियो शूट कर रही थी, उसमें मैं नहीं आ पा रही थी, तो इसीलिए मुझे एक जन ने कहा कि आप तो दूसरे का वीडियो बना रहे हो मगर आप खुद ही नहीं आ पा रहे हो। सो इसलिए मैंने एक भैया को दे दी और फिर मैं भी थोड़ा सा वीडियो में आ गई, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर ली, थोड़ा सा गाकर, थोड़ा सा डांस करके हम सब ने जैसे हो सकता है वैसे एंजॉयमेंट किए। एंजॉयमेंट करने के बाद हम अंदर की तरफ चले गए, वहाँ पे माँ को उतार रहे थे ट्रक से और स्टेज में लेकर आ रहे थे, तो हम वहाँ पे चले गए और थोड़ा सा वीडियो मैंने वहाँ का भी कर ली। एंड सब जेंट्स मिलके ट्रक से उतार के माँ को सब अपने अपने पोजीशन में रख रहे थे बराबर से, जहाँ पे माँ दुर्गा है उनके बाजू में गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती एंड कार्तिक, ये सबको अपने अपने पोजीशन में रख कर अच्छे से सेट करके फिर जेंट्स मिलके एक पिक्चर क्लिक करने लगे माँ के सामने। और सब माँ के सामने जब पिक्चर क्लिक कर रहे थे सोचे मैं भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ। सो वीडियो शूट मैं यहाँ पे कर रही थी तो साइड में मैंने देखी स्टेज में सब लेडीज़ मिलके जो ड्रामा करने वाले हैं
वो ड्रामा का प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं देखकर शॉक्ड हो गई। अभी शंख बजा रहे थे और साथ ही साथ अभी फिर से वो अपने एनर्जी में, मतलब एनर्जी उनका लो हुआ ही नहीं, फिर से वो अपने ड्रामा प्रैक्टिस के लिए शुरू हो गए और सच्ची में इतने अच्छे प्रैक्टिस कर रहे थे। सब हम लोग बैठ के देख रहे थे बहुत अच्छे से। उन लोग मिस आई हेड्स ऑफ, उनका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। एंड रात का 11 बज गया था और मैंने घर पे खाना नहीं बनाई थी, इसीलिए हम बाहर से खाना लेकर चले आए थे। सूप, नूडल्स एंड राइस हम तीनों भी लेकर चले आए। सुब्रत को सूप पीना था एंड मुझे राइस खाना था, सुब्रत को नूडल्स भी खाना था। सो ये वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।